नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको यूरो ट्रैक्टर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। यूरो ट्रैक्टर हमारा इधर खड़ा है, देख सकते हैं आप। तो इस ट्रैक्टर का मॉडल का नाम है यूरो 50, माने पूरे 50 एचपी का ट्रैक्टर है। आइए पास आइए, पास जाके इसको देखेंगे। पहले हम जानने की कोशिश करेंगे इस ट्रैक्टर का नाम हमने यूरो क्यों रखा, ठीक है। अगर आप जानना चाहोगे पूरी दुनिया के अंदर स्टाइल के बारे में अगर बात करें तो एलिगेंसी और स्टाइल, तो पहला देश का नाम आता है यूरोप, क्योंकि वो बहुत मशहूर है। तो इस ट्रैक्टर में हमने टेक्नोलॉजी से इतने अच्छे अच्छे स्टाइल्स डाले हैं, तो हमने इसका नाम यूरो करके रखा है। और इसका पूरा नाम है यूरो 50, यूरो 50। 50 माने ये ट्रैक्टर पूरा 50 एचपी का है। जब क्यों ले अधूरा, जब 50 है पूरा करके हम इसको भी बोलते हैं, क्योंकि पूरा 50 एचपी का इंजन हम इस ट्रैक्टर के साथ दमदार इंजन दे रहे हैं। पावर के साथ हम इसको बोलते हैं डीजल सेवर प्लस भी। हाँ, तो ये हम डीजल सेवर प्लस क्यों बोलते हैं, क्योंकि पावर ट्रैक जाना भी जाता है। हाँ, इसकी ब्रांड इमेज भी है कि फ्यूल के खपत में बचत सबसे उम्दा ट्रैक्टर माना जाता है, इसलिए हमने इसको डीजल सेवर प्लस भी बोलते हैं। तो पावर के साथ डीजल भी सेविंग इस ट्रैक्टर में होगा। तो स्टाइलिंग की पहले बात करें तो आप देख सकते हो इस ट्रैक्टर को पूरी की पूरी सिंगल पीस बोनेट हमने दिए हैं, सीडी मेटालिक पेंट दिए हैं। देखिए कितनी चमक है धूप में भी इसका। हीट गार्ड दिए हैं। आगे से अगर आप देखोगे तो साइड पैनल एलिगेंट लुक भी है और प्रोटेक्शन भी देता है साइड से। और आगे से अगर आप देखोगे तो एक एलिगेंट लुक वाला दमदार 80 किलो का फ्रंट बम्पर कंपनी फिटेड आता है, कितना रोबस्ट भी दिखता है आपको। और आगे से आप देख सकते हो यूरो का नाम इतनी अच्छी तरह से हमने इसको डिकाल से बनाया हुआ है। और अगर इसकी आगे की फ्रंट ग्रिल रुक आप देखोगे तो कुछ लोग इसकी जो शेप है इसको देख के बताते हैं कि ये जो है बालाजी का प्रतीक है। कुछ लोग इसको देख के बताते हैं कि ये घोड़े का मुंह जैसा लगता है, ठीक है। और इसकी हेडलाइट को अगर आप देखोगे, दो ऑक्सिलरी हेडलाइट हम बोलते हैं, कार की तरह हमने इस बॉडी के अंदर ही इसको इंग्रेव किया है, कितनी अच्छी तरह एरोडायनेमिक भी होगा। और प्लस इसकी लुक जो है हमने क्लियर लेंस के साथ, मल्टी रिफ्लेक्टर के साथ, बहुत ही पावरफुल हेलोजन हेडलैम्प हमने इसके अंदर दिए हैं। साथ में हमने हेलोजन हेडलैम्प भी दिए हैं। तो आप अगर अलग से इसको चलाना चाहो तो चला सकते हो, या अलग से हेडलाइट भी चलाना चाहो, या साथ में दोनों चलाना चाहो। हाईवे पे जा रहे हो, रात का समय है, तो दोनों चला सकते हो, जैसी ज़रूरत वैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और आगे से टो हुक भी दिए हमने, ताकि कोई और अन्य ट्रैक्टर फंसा है उसको खींचने के लिए ये मदद कर सकता है। और अगर स्टाइल की और बात करें तो खाली आगे ही नहीं, पीछे से भी हमने इसकी जो फेंडर हमने बनाई हुई है, बहुत ही अच्छी शीट मेटल, जाड़ा शीट मेटल के साथ इसकी मोल्डिंग आप देख सकते हो कितनी कर्व है, और इतनी अच्छी तरह मोल्डिंग हमने इसको किया हुआ है। हाँ जी, तो एलिगेंट लुक देने के लिए। प्लस इसकी जो कलर है ये भी मेटालिक पेंट सीडी पेंट के साथ हमने दिए हैं। तो इसकी जो हैजार्ड लाइट्स है, पार्किंग लाइट्स है, ये भी मल्टी रिफ्लेक्टर के साथ, जैसे कारों में आता है उस तरीके से हमने किया। तो स्टाइल के मामले में और भी बहुत सारी जानकारी है, आगे जाके हम दिखाएंगे। तो कुछ टेक्निकल चीज़ें भी इस ट्रैक्टर में हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये जो सिंगल पीस बोनेट है कैसे ऑपरेट होता है। तो पहले हम इस एयर फिल्टर को खोलेंगे, यहाँ रख दूँ इसको। सिंगल पीस बोनेट खोलने के लिए हमने इधर एक अच्छी तरीके से एक छोटा सा लैच दिए हैं, देख सकते हो, दो उंगली से काम करेगा। देखिए इतना उठाया, और इसकी जो फ्रंट बोनेट है हल्का सा मैंने पुश किया और छोड़ दिया, देखिए अपने आप खुल के खड़ा हो गया, जैसे कारों में डिक्की खुलता है। क्योंकि इसके अंदर हमने दो गैस वाली स्ट्रट्स दिए हैं, जिससे ये पूरी की पूरी बोनेट अपने आप
वहाँ हिंज हो जाती है, और जब ये ऊपर हिंज हो जाती है तो पूरा मैकेनिक को अगर कुछ सेटिंग वेटिंग करनी है, कुछ तेल चेक करना है, पानी चेक करना है, तो पूरा हाथ फैलाने के लिए इतनी जगह दी गई है इस ट्रैक्टर में। ठीक, तो आइए इधर देखेंगे हम। तो इंज ट्रैक्टर का मेन पार्ट होता है इंजन। तो इंजन आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा 3 सिलेंडर का इंजन है। AVL टेक्नोलॉजी के साथ हमने इंजन दिया है इसके अंदर। जैसे कि मैंने बोला, पूरा 50 HP के साथ डीजल सेवर प्लस इंजन है ये। इस इंजन को ठंडा रखने के लिए हमने इसके अंदर कारो वाला कूलिंग सिस्टम दिया है। देख सकते हैं यहाँ रिकवरी बोतल है ये, इसके अंदर हमने कूलेंट डाला हुआ है। मिनिमम मैक्सिमम देख सकते हो लेवल, अब यहीं से देख सकते हो, अगर कूलेंट इससे कम हो रहा है तो टॉपअप करना होगा। कभी इसको पूरा मत भरिए, कभी भी इसको मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में रखना चाहिए, ताकि बार बार रेडिएटर को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं होगा। और इस इंजन के साथ हमने एक वाटर सेपरेटर दिया है। वाटर सेपरेटर बहुत मुख्य पार्ट है ट्रैक्टर के लिए। ये करता क्या है, ये डीजल से जो भी डीजल आता है, अगर उसके अंदर पानी मिश्रण है तो पानी को अलग करता है, खाली डीजल को आगे पंप में बेचता है। इससे फ़ायदा ये है कि आपका जो ये पंप है, माइक्रो बॉश का पंप है, ये पंप के अंदर खाली डीजल जाएगा और ये मेंटेनेंस फ्री रहेगा। तो अगर इसमें पानी आ गया तो इसमें इंडिकेटर है, एक लाल वाली रिंग है, वो ऊपर आ जाएगा। तो इसको खोलिए और पानी को नीचे से निकाल दीजिए, और जब रिंग नीचे आ जाएगा तो इसको टाइट कर दीजिए। बस यही काम है इसका। और साइड से हमने टूल बॉक्स भी दिया है। पहले ये टूल बॉक्स जो है ऊपर फेंडर के पास आता था, बैठने में मुश्किल था, तो हमने इसको साइड में इधर लगा दिया, ताकि आप अपना कोई स्पेयर्स हाँ या कुछ रिपेयर टूल्स वगैरह इसमें रख सकते हैं। ठीक, और इस ट्रैक्टर में जो हमने पावर स्टीयरिंग दिया, क्योंकि ये सुपर मैक्स मॉडल है, टॉप एंड मॉडल है, तो ये जो पावर स्टीयरिंग है स्पेशल पावर स्टीयरिंग है। अन्य पावर स्टीयरिंग में मुझे पूरे एक हाथ से ट्रैक्टर को घुमाना पड़ता था, मगर इस ट्रैक्टर में मैं 2 उंगली से पूरी ट्रैक्टर को काट सकता हूँ, वो भी खेत में। कैसे, इसके अंदर हमने BPS माने बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग हमने इसमें दिया। तो ये बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग होता क्या है जानेंगे, आइए इधर दिखाएंगे। ये देख सकते हो आप, इसकी जो पावर स्टीयरिंग का सिलेंडर है एक्टिवेटिंग, ये राइट हैंड साइड भी है। ठीक, और उस तरफ आइए, ये लेफ्ट हैंड साइड भी आप देख सकते हो एक्टिवेटिंग सिलेंडर है। मतलब एक ही सिलेंडर है, डबल एक्टिंग है, दोनों तरफ एक्ट करेगा। पहले वाले पावर स्टीयरिंग में होता क्या था, एक ही तरफ एक्ट करता था और नीचे से एक रॉड जाती थी और वो व्हील को खींचती थी। इसमें ऐसा नहीं है, दोनों तरफ एक्टिवेटिंग है, लिंकेजेस कम हो गए और ट्रैक्टर घुमाने में बहुत आसानी हो गई। ठीक, और इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी को मेंटेनेंस फ्री करने के लिए हमने इस ट्रैक्टर के अंदर पावर स्टीयरिंग सा अलग सा टंकी दिया है, रिजर्वायर देख सकते हो। ये करीब करीब 3 लीटर का तेल अंदर लेता है, तो जब भी पावर स्टीयरिंग काम करता है तो इसमें से वो तेल खींच के पावर स्टीयरिंग का काम करेगा और वापस इसी में डंप कर देगा। इसके फायदे ये हैं कि अगर सोचिए कि पावर स्टीयरिंग का तेल खराब हो गया अन्य ट्रैक्टर में, तो पूरा पीछे का 25-30 लीटर तेल बदलते हैं, क्योंकि वो पीछे का गियरबॉक्स ट्रांसमिशन का ऑयल यूज़ करते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं, हम पावर स्टीयरिंग के लिए अलग सा टंकी दे दिया। अगर बदलना है तो खाली 3 लीटर बदलना पड़ेगा, 25-30 लीटर बदलने की ज़रूरत नहीं है। प्लस सोचिए, अगर मैं गियरबक्से से तेल लेके इस पावर स्टीयरिंग को चला रहा हूँ तो गियरबक्से में कंकड़ आएंगे या कोई अलग पार्टिकल्स आ जाएंगे, जिससे इसके सीले टूटने की संभावना बढ़ जाते हैं। मगर इसके अंदर अलग से टंकी देने से फ़ायदा ये है कि पावर स्टीयरिंग सालों साल मेंटेनेंस फ्री चलता रहेगा। ठीक, ये होगी पावर स्टीयरिंग की बात। आइए अब आगे हम अभी आपको और चीज़ें समझाएंगे। इसको बंद कर दें, इसकी फिल्टर वापस डाल दें, क्योंकि इतनी आसान है, कार जैसा हमने बनाया है, फट झटफट खुल गया, झटफट बंद भी कर सकते हैं। तो अगर इसकी आगे की जो स्पिंडल है, स्पिंडल की बात करें, बहुत छोटी चीज़ है,
तो इसमें हमने चौकोर वाली स्पिंडल दी है, चारों तरफ इसकी ग्रिप बनाए रखती है। पहले जो राउंड वाली आती थी तो स्लिपे बहुत होती थी, ये हैवी ड्यूटी माना जाता है। ठीक, तो इस तरफ भी आप देख सकते हो साइड गार्ड हमने दिए हैं, साइड पैनल दिए हैं जिसपे यूरो 50 का नाम भी है, प्लस ये एलिगेंट लुक के साथ प्रोटेक्शन भी करता है अपने अल्टरनेटर को। ठीक, तो इसमें हमने 35 एम्पियर का बढ़िया अल्टरनेटर दिया झटफट बैटरी चार्ज करने के लिए। बैटरी की बात करें तो हमने इसमें एक रोबोस्ट लुक वाला एलिगेंट बैटरी बॉक्स दिए हैं, देख सकते हो डिज़ाइन इतनी अच्छी तरीके से हमने इसको किया है, और इसको साइड माउंटेड हमने किया ताकि मेंटेनेंस झटफट हो जाए। हाँ, इसको लॉक भी कर सकते हो, और इसकी अगर तेजाब वगैरह गिरेगा तो नीचे गिर जाएगा, ये अंदर इंजन के ऊपर नहीं गिरेगा। और इस ट्रैक्टर के अंदर हमने टैंडम पंप दिए हैं, दोनों हाइड्रोलिक पंप और पावर स्टीयरिंग पंप साथ में चलेंगे। और इस पंप का फ़ायदा ये है कि ये इंजन पे माउंट होने की वजह से ये इसको हम बोलते हैं लाइव हाइड्रोलिक्स, माने ट्रैक्टर चालू तो आपका हाइड्रोलिक चालू। ठीक, तो अभी ये ट्रैक्टर चढ़ने की बात करेंगे, यहीं से देखिए। तो अगर ड्राइवर ट्रैक्टर चढ़ने की कोशिश करेगा तो इसमें दो तरीके सा बेनिफिट है, ये यहाँ भी मैं इसको पकड़ सकता हूँ, यहाँ पैर रखूँगा, और ये देखिए पकड़ने के लिए यहाँ भी, मतलब इतनी अच्छी सुविधा है कि मैं ट्रैक्टर चढ़ने के लिए दोनों तरफ से पकड़ के आराम से चढ़ सकता हूँ, ना स्लिप होने की कोई चांस है ही नहीं। देखिए इतनी अच्छी तरीके से मैं ट्रैक्टर में चढ़ सकता हूँ। आइए, जब ट्रैक्टर में चढ़ने के बाद बैठने की बात करें तो इसमें हमने स्पेशल डीलक्स सीट दिए हैं। डीलक्स खाली नाम नहीं है, उसका काम भी डीलक्स ही है। इसमें 5 अलग अलग तरीके के एडजस्टमेंट हम दे रहे हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, और मेरा वज़न है 60 किलो, मेरे वज़न के हिसाब से इसके अंदर कुशनिंग भी ये देता रहेगा। ठीक है, आइए अभी देखेंगे इसके अंदर जो हमने क्लच दिए हैं, तो ये सुपर मैक्स ट्रैक्टर होने की वजह से इसके अंदर हमने ड्यूअल क्लच दिए हैं। जब मैं इसको आधा दबाता हूँ तो मेरा ट्रैक्टर रुक जाता है, मगर मेरा PTO यंत्र चलते रहता है। अगर मैं इसको पूरा दबाता हूँ तो दोनों ही रुक जाएंगे, ट्रैक्टर भी रुक जाएगा और PTO यंत्र भी रुक जाएगा, मतलब एक ही पैडल में दो ऑपरेशन हमने इसके अंदर दिए हैं। और देखिए इतनी आसानी से मैं इसको दबा सकता हूँ क्योंकि इसके अंदर जो हमने स्प्रिंग दिए हैं वो डायफ्राम टाइप स्प्रिंग हमने इसके अंदर दिए हैं, ताकि ड्राइवर घंटों बिना थके काम कर सके। और जब ड्राइवर बैठ जाता है तो ट्रैक्टर चलती रहती है, तो पैर फैला के बैठने के लिए देखिए इस ट्रैक्टर में हमने इतनी अच्छी सुविधा दी है, पूरा मेरा पैर सीधे हैं, अभी आराम से मैं चला सकता हूँ। मतलब इसके जो प्लेटफॉर्म है पूरा का पूरा सपाट और बड़ा प्लेटफॉर्म हमने दिए हैं, ताकि ड्राइवर बेझिझक आसानी से इसको ऑपरेट कर सके। ठीक, और इसकी साइड शिफ्ट हमने लीवर दिए हैं दोनों तरफ, देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये साइड शिफ्ट ऐसे जाके ऐसे बीच में जाके अंदर जा रहा है, ये जो साइड शिफ्ट है ये एक्चुअल साइड शिफ्ट है, नीचे प्लेटफॉर्म से नीचे जाके अंदर से गियरबॉक्स से जुड़ी है। मतलब ये जो साइड शिफ्ट स्कॉट जो बनाई है ये एक्चुअल साइड शिफ्ट है, ये डुप्लीकेट साइड शिफ्ट नहीं है। डुप्लीकेट होता क्या है, ये साइड में तो दिखते हैं मगर ऐसे टेढ़े मेढ़े जाके ऐसे बीच में फिर जाते हैं, वो होता है डुप्लीकेट। तो ये जो एक्चुअल है, जो एक्चुअल साइड में जाके नीचे जाते हैं, मतलब ड्राइवर जब गियर बदलता है तो ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं होता है। तो इस तरफ आइए, अभी मैं आपको इस साइड शिफ्ट की बात करें, जब ड्राइवर गियर चेंज करने की बात करें तो क्या मैं झुक रहा हूँ, देखिए झुकने की ज़रूरत है ही नहीं, तो आराम से मैं अपने डीलक्स सीट में बैठा हुआ हूँ और गियर चेंज कर रहा हूँ। इसका मतलब ये साइड शिफ्ट एर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड है, मतलब ड्राइवर को ज़्यादा जोर लगाने की या झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ हमने इसके अंदर फुली कॉन्स्टेंट मेश गियर बॉक्स, मतलब 8 आगे जाने के लिए 2 पीछे जाने के लिए गियर हैं, और जो उसमें टेक्नोलॉजी हमने यूज़ की है, शिफ्ट होने के लिए स्पेशल कपलर है, तो फुली कॉन्स्टेंट मेश है, मतलब ट्रैक्टर चलते चलते मैं गियर चेंज कर सकता हूँ लोड पर बिना आवाज़ किए, बिना कोई तोड़ फोड़ के। तो अभी बात करें तो इसके अंदर हमने जो लीवर्स भी दिए हैं, वहीं से देखिएगा, देखिए ड्राइवर को झुकने की ज़रूरत नहीं है जब ये हाइड्रोलिक लीवर ऑपरेट करता है। देखिए आराम से मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूँ,
ठीक, सारे लीवर ऑपरेट कर सकता हूँ और मैं झुक भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये जो लीवर्स है ये भी ऊँचे की गई है और ऐसे डिज़ाइन किए कि ड्राइवर को बार बार झुकने की ज़रूरत ना हो, तो आराम से बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए अभी हाइड्रोलिक्स लीवर्स के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दें, पास आइए। ये ऐसा ट्रैक्टर है जिसमें हम तीन हाइड्रोलिक लीवर देते हैं, तीनों बहुत काम के हैं। पहले बात करेंगे इस पीले लीवर की। इस पीले लीवर का नाम है मेन कंट्रोल लीवर, मतलब ये इम्प्लीमेंट उठाता है, गिराता है और गहराई देता है, ठीक। अब ये बात करें इस काले लीवर की, इसका नाम है सिलेक्शन लीवर। जब मैं इसको आगे करता हूँ तो पीला लीवर ड्राफ्ट लीवर बन जाता है, मतलब इसमें सेंसिंग एक्टिवेट हो जाता है। जब ये काले लीवर को मैं पीछे करता हूँ पोजीशन में, तो ये जो पीला लीवर है ये इसमें सेंसिंग हट जाएगी और ये पोजीशन लीवर जैसा काम करेगा। मतलब जब इसको मैं आगे रखता हूँ तो यंत्र जैसे एमबी प्लो, कल्टीवेटर या सब सॉलर जो जिसमें सेंसिंग की ज़रूरत है वैसे यंत्र आप चला सकते हो। जब मैं काले लीवर पीछे करता हूँ पोजीशन में तो यंत्र जैसे रोटोवेटर, लेवलर, वैसे यंत्र जिसको सेंसिंग नहीं चाहिए वैसे वाला यंत्र इस्तेमाल कर सकते हो। आइए अभी बात करते हैं इस लाल लीवर का। लाल लीवर का नाम है एक्सटर्नल सर्किट लीवर, मतलब ये बाहर का काम करेगा। जैसे मैंने इस ट्रैक्टर में टिपिंग ट्रॉली लगा दी, वो टिपिंग ट्रॉली को उठाना है, तो देखिए मैं इसको मैं यहाँ आगे की तरफ करता हूँ तो टिपिंग ट्रॉली उठने लगती है ऊपर, ठीक। जब मैं ये लाल लीवर को बीच में करता हूँ तो अपनी जो टिपिंग ट्रॉली है वो गिरने लगती है नीचे। अगर सोचिए गिरते गिरते मुझे टिपिंग ट्रॉली को वहीं रोक देना है तो इसको पीछे कर दो, टिपिंग ट्रॉली इतनी उठी है वहीं उठकी उठी होल्ड हो जाएगी। तो तीनों काम इसमें कर सकते हो, गिरा उठा सकते हो, गिरा सकते हो या उसको वहीं पे होल्ड कर सकते हो। तो वो टिपिंग ट्रॉली के लिए स्पेशल अलग सा लीवर स्टैंडर्ड कंपनी फिटेड आपको इस ट्रैक्टर में प्राप्त होता है, ठीक है। आइए अभी बात करेंगे सेफ्टी की। ड्राइवर सोचिए घंटों चलाता है, आगे से इंजन गर्म होता है तो गर्म हवा मेरे पैरों को लग सकता है, तो गर्म हवा मेरे पैरों को ना लगे इसलिए हमने हीट गार्ड दोनों तरफ से दी हुई है ताकि जो भी हीट आता है वो बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाए। इसके अंदर फुट एक्सीलेटर हमने इधर दिए हैं और ब्रेक यहाँ दिए हैं, इंडिविजुअल ब्रेक्स, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम इंस्ट्रूमेंट पैनल और स्टीयरिंग की बात करें इस ट्रैक्टर में। तो इस ट्रैक्टर के अंदर हमने देख सकते हो कार जैसा छोटा सा स्टीयरिंग व्हील दिए हैं, थ्री स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी बोलते हैं, स्कॉट के लोगो के साथ हमने दिए हैं। तो ये पकड़ने में भी बहुत मुलायम है और कंफर्टेबल है। और आगे से आप देख सकते हो हमने एक इंस्ट्रूमेंट पैनल दिए हैं, हाँ इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट पैनल शायद ही कोई ट्रैक्टर में आपको प्राप्त होगा, जो स्कॉट के ट्रैक्टर में ही मिलेंगे। देखिए दिन में अलग रात में अलग दिखने वाला इंस्ट्रूमेंट पैनल है, रात को इसमें 6 से 7 LED लाइट लगेंगे तो अलग ही दिखेगा पूरी रोशनी के साथ। तो सारे मीटर्स उपलब्ध है, RPM मीटर है, PTO कितने चल रही है उसके मीटर है, तेल का मीटर है, बैटरी का मीटर है, टेम्परेचर मीटर है, फ्यूल गेज है। और सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ देख सकते हो आप, इसकी जो डिजिटल मीटर है जो ट्रैक्टर अभी तक कितने घंटे चली है, हाँ उसका पूरा डिजिटल डिस्प्ले यहाँ पर है। इसके साथ बहुत सारे सेंसर्स यहाँ पर भी उपलब्ध है। कुल मिला के बात यह है ये बड़ा सा कार जैसा इंस्ट्रूमेंट पैनल हम इस ट्रैक्टर में दे रहे हैं, स्टाइलिश। और ये देख सकते हो आप लाल वाला बटन, जब भी लगता है कि ट्रैक्टर पंचर हो गया हाईवे में या कोई दिक्कत आ गई है तो आप साइड में खड़े होकर इस बटन को दबा दीजिए ताकि पूरी की पूरी हैजार्ड लाइट इस ट्रैक्टर में जल जाएगा, चारों के चारों इंडिकेटर्स लग जाएंगे, ठीक है। और इस ट्रैक्टर में सोचिए अगर मैं बहुत दूर का रास्ता तैयार कर रहा हूँ, मोबाइल की बैटरी डाउन हो रही है, बहुत समस्या आजकल, तो इस ट्रैक्टर में हमने स्पेशल मोबाइल चार्जर का एक सुविधा दिए हैं, देख सकते हो। तो यहाँ पर आप अपनी चार्जर जो है यहाँ लगा दीजिए, 12 वोल्ट इससे आपको प्राप्त हो जाती है। इस पर कैप भी दिया ताकि पानी ना जाए। और इस ट्रैक्टर में यहाँ देख सकते हो हमने एक स्पेशल नॉब दिए हैं, ये जो नॉब है ये नॉब जब मैं ऑपरेट करता हूँ तो आगे से जो
हमारा ऑक्सिलरी हेडलाइट है वो ऑन हो जाता है। देखिए थोड़ा ऑन हो गया, क्या ऑन हो गया? तो अलग सा ऑक्सिलरी हेडलाइट ऑपरेट करने के लिए अलग सा स्विच हमने दिए हैं, ठीक है। अभी इसको मैं बंद कर रहा हूँ। अभी सोचिए जब ड्राइवर निकलता है तो अकेला हमेशा निकलता नहीं, दोस्त या कोई मिल जाता है जो बैठने के लिए। तो इस ट्रैक्टर में सुविधा यह है कि अगर अलग से बैठने की सुविधा इस ट्रैक्टर में, फेंडर रेल के साथ गद्दे भी दिए हैं कंफर्टेबली पीठ को दर्द ना हो। प्लस देखिए मेरा पैर रखने के लिए इतनी अच्छी तरह पूरा का पूरा फ्लैट प्लेटफॉर्म दी गई है इधर, तो पैर रख के मैं आराम से बैठ सकता हूँ, ठीक। साथ में आप यहाँ देख सकते हो दोनों तरफ हमने इस ट्रैक्टर में स्पीकर्स दिए हैं, स्पीकर्स की सुविधा, सॉरी। तो आप अपना मनपसंद स्पीकर इसमें अंदर बिठा सकते हो, तो धूप या पानी से ख़राब नहीं होगा, अलग से आपको बॉक्स बिठाने की ज़रूरत नहीं होगी। और अभी आइए इस तरफ, तो पीटीओ की बात करें, इस तरफ आइए। तो पीटीओ चलाने के लिए हमने अलग सा एक लीवर दिए हैं, तो अगर मैं इस पीटीओ को पीछे की तरफ करता हूँ तो इस ट्रैक्टर में आपको चार अलग अलग स्पीड मिलेंगे, MRPTO, मल्टी स्पीड PTO बोलते हैं, पहले दूसरे तीसरे चौथे गियर में अलग अलग स्पीड प्राप्त होंगे। और अगर कुछ आपको लग रहा है कि PTO को उल्टो घुमाना है, कुछ फंस गया है पीछे उपकरण में, तो मैं इस गियर में रिवर्स डाल दूं तो वो PTO जो है उल्टा भी घूमेगा। थ्रेशर हो गया, तुड़ी मशीन हो गया, जिसमें कुछ फंस गया, खुलने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें रिवर्स गियर डाल दो, PTO उल्टा घूमेगा, जो भी फंसा है वो निकल के बाहर आ जाए। इसके बाद अगर मैं इस लीवर को आगे की तरफ करूंगा तो इसमें आपको 540 चक्कर जो स्टैंडर्ड मिलते हैं रोटावेटर वगैरह चलाने के लिए, वो आपको प्राप्त होंगे। कुल मिला के बात है ये है कि ये PTO लीवर है और इसमें टोटल 6 स्पीडें मिलेंगी, 4 अलग अलग गियर में अलग अलग स्पीड, एक रिवर्स स्पीड, और छठा जो है आपको 540 चक्कर स्टैंडर्ड प्राप्त होंगे। आइए अब जब ये ट्रैक्टर तो जान ही गए हैं, जब ट्रैक्टर तो अकेला नहीं चलाओगे, उपकरण के साथ चलाओगे, तो अब ये बात आती है कि मैं किस उपकरण को किस गियर में किस RPM में चलाऊं। तो किसान को सुविधा हो तो इस ट्रैक्टर में बढ़िया सा एक स्टिकर दिया है, पास में आइए देख सकते हो आप, इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सिलेक्शन चार्ट, देख सकते हो आप पास से जूम करके देख लो। तो इसमें अगर सोचिए मैं रोटावेटर चलाना चाहूँ इस ट्रैक्टर में, ये पीले रंग में लिखा है, तो ये बताते हैं कि L1 है L2 में, पीले रंग दिख रहा है, मतलब ये दो गियर हैं जिससे मैं रोटावेटर चला सकते हो। कौन से RPM में? 1700 या 1800, दो अलग अलग इंजन RPM में इतने स्पीडों में आप इस उपकरण को चला सकते हो। उसी तरह कल्टिवेटर, MB प्लो और हॉलेज के लिए, तो पूरा चार्ट दिया है ताकि आपको इस चार्ट को देखना है कौन सा उपकरण चला रहे हो, उस RPM में उस गियर में चलाओ, बस कम से कम डीजल खपत में बढ़िया ट्रैक्टर पावर आपको देगा, ठीक है। और बात करें इस ट्रैक्टर में तो थोड़ा इस तरफ आइए, मैं ट्रैक्टर चला रहा हूँ, कीचड़ में एक पहिया स्लिप खाने लगा ये वाला और ये फंस गया, तो ये स्लिप होने वाला भी स्लिप होता रहेगा, और ट्रैक्टर चाहिए इसको खींचने के लिए या दबाने के लिए, टाइम भी वेस्ट होगा। तो हमने इसके अंदर एक स्पेशल डिफरेंशियल लॉक, देख सकते हो इधर, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल लॉक, ये पैर से इस्तेमाल होता है। जब भी ट्रैक्टर दंदले ज़मीन पे फंस जाता है तो आपको इस डिफरेंशियल लॉक को लगाना है, कम से कम गति में ट्रैक्टर को चलाना है, और स्टीयरिंग जो है बिल्कुल सीधा रख के चलाना है। तो जब ये दबाते हो तो दोनों पहियों को सेम ताकत प्राप्त होती है और कीचड़ से ये बाहर आ जाता है। ध्यान रहे जब कीचड़ से बाहर आ जाए तो पैर इस लीवर से हटा दो ताकि ये अनलॉक हो जाए। अभी ये अनलॉक हो गया, ठीक। अगर आपने हाई स्पीड में इसको लगाया या इसको लगा के टर्न मारा तो ये नेगेटिवली इफेक्ट होगा ट्रैक्टर को और टेक्निकली प्रेशर पड़ेगा क्राउन पे, ध्यान से इस्तेमाल करो। सोचिए अगर मैं ट्रैक्टर को यहाँ रोक के कहीं चाय पीने जा रहा हूँ तो स्पेशल हमने आसानी से ऑपरेट करने वाला हैंड ब्रेक दिए हैं, इसको उठा के इतना कर दिया
और इसको दबा दिया, मतलब आपका हैंड ब्रेक लग गया। तो हैंड ब्रेक निकालने के लिए इस पेडल को दबाओ और इस लीवर को उठा के नीचे कर दो, बस हैंड ब्रेक हट गया। आसानी से ऑपरेट करने वाला हैंड ब्रेक हमने इसमें दिए हैं। आइए कुछ और चीज़ें आपको ट्रैक्टर के पीछे भी समझा दें। पीछे आ जाओ। तो इस ट्रैक्टर में हमने बड़े टायर हमने दिए हैं, देख सकते हो 14x28। तो इसकी जो चौड़ाई है जो हम इस ट्रैक्टर में दे रहे हैं 14.9 इंच है, बड़े टायर हो गए। 28 जो है इसके बीट टू बीट रिम पे जो बैठता है अंदर की डायर 28 इंच है। तो बड़े टायर आपको ज़्यादा लोड लेने की शक्ति ज़्यादा होगी और स्पीड भी जो है ज़्यादा लेता है। आइए पीछे से कुछ चीज़ें आपको समझा दें। तो पीछे में भी जो हमने ब्रेक लाइट्स वगैरह दी हैं वो भी मल्टी रिफ्लेक्टर के साथ बढ़िया रंग में हमने दिए हैं। तो देखिए स्टिकर भी लगाया हमने। इस ट्रैक्टर में हम आपको पूरे के पूरे 2 साल का वारंटी या 2000 घंटे की वारंटी हम इसमें दे रहे हैं। अभी देखिए पीछे से अगर आप इस ट्रैक्टर को देखोगे तो पूरा का पूरा सपाट प्लेटफॉर्म आपको दिखेगा। ठीक, ये सपाट प्लेटफॉर्म देने की वजह यह है कि मल्टी हिच पॉइंट आपको प्राप्त हो जाएंगे। छोटी ट्रॉली है नीचे लगाओ, मध्यम ट्रॉली है बीच में लगाओ और बड़ी ट्रॉली है ऊपर लगाओ। जैसी ज़रूरत वैसे आप इसमें हिच कर सकते हो। तो इतने हिच की ऑप्शंस हमने दी हुई है। और ये अपना पीटीओ है। अभी बात करेंगे इसकी पीछे की एक्सल, पूरी की पूरी जो एक्सल इतनी दमदार दिखती है क्योंकि हमने इसके अंदर रोबस्ट एक्सल दी हैं। ये देख सकते हो ये गोल आकार में नहीं है, स्क्वायर आकार में है, रोबस्ट है। तो ये रोबस्ट देने का फ़ायदा ये है कि इस ट्रैक्टर में अगर मैंने आगे से डोज़र बिठाया तो डोज़र तो आगे रहेगा, लोड आगे लेगा, मगर उसकी जो पूरी लोड आती है वो चेसी में आती है और वो चेसी बैठता है इसके बीचों बीच, इस एक्सल के ऊपर बैठेगा। और इसमें स्पेशल बोल्टें लगाने पड़ते हैं, बोल्टें की ऑप्शन भी इसमें दिए हैं और पकड़ मजबूत बनेगा, इसलिए रोबस्ट एक्सल। और इसके अंदर की बात करें तो इसके अंदर हमने क्राउन व्हील पिनियन के साथ इनबोर्ड रिडक्शन दिए हैं और यूरो 50 में हमने हेलिकल बुल गियर वाला रिडक्शन दिया। हेलिकल बुल गियर माने इसकी जो दांते रहेंगे वो टेढ़े रहेंगे। ठीक, खाली बोल नहीं रहे, ये हेलिकल बुल गियर अंदर है करके फैक्ट्री में जब ये ट्रैक्टर बनता है लिख के भी आता है। आइए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो कास्टिंग है, गियरबॉक्स हाउसिंग की जो कास्टिंग है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, H करके लिखा हुआ है, मतलब इस ट्रैक्टर में हमने हेलिकल बुल गियर वाला रिडक्शन दिया हुआ है, इसलिए ये H करके आपको ट्रैक्टर बनाते टाइम ही वो तो हथौड़े का मार्क है वो यहाँ पे लिखा होता है। और इस ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक की अगर बात करें तो हम इस ट्रैक्टर के अंदर इंटीग्रेटेड टोपलिंग सेंसिंग वाला हाइड्रोलिक्स दिए हैं। सोचिए अगर सख्त मिट्टी में इसका काम कर रहे हो तो इम्प्लीमेंट को आप ऊपर के होल में बांध दो, मीडियम है तो यहाँ और सॉफ्ट मिट्टी है तो नीचे। इसको जानने के लिए हमने एक स्पेशल स्टिकर भी दिए हैं, इस तरफ से देख सकते हो, ये देख सकते हो। तो ये जो होल हैं ये हार्ड मिट्टी, मीडियम मिट्टी और सॉफ्ट मिट्टी, जो टॉपलिंग माउंट होता है वो अलग अलग होल में अलग अलग मिट्टी के साथ आप इसको बांध सकते हो। और एक स्पेशल पिन भी हम इसके अंदर देते हैं जो यहाँ लगता है स्टिकर, ये पिन जो है, ये जो पिन जो है यहाँ लगता है, ये वाली पिन है वो देख सकते हो, ये ट्रैक्टर के साथ आपको मिलता है। सोचिए जब मैं ये ट्रैक्टर ये पिन को यहाँ लगते हैं, यहाँ लगाते हैं इस तरीके से, ठीक है, जब ये पिन लग जाता है तो इसका फ़ायदा ये है कि मैं खाली ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट को बांध के 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर लेके जा रहा हूँ रास्ते में, तो इम्प्लीमेंट वो चलता रहेगा। तो ये जो इसकी जो सेंसर है दबती रहेगी। तो ये पिन लगाने से फ़ायदा ये है कि ये जो सेंसर लॉक हो जाता है, ये देख सकते हो यहाँ पर पास आके, जो हाइड्रोलिक की सेंसिंग होती है यहाँ से होती है, जो बूट देख रहे हो ना यहाँ से सेंसिंग होती रहेगी। जब मैं पिन लगा देता हूँ तो ये सेंसिंग रुक जाती है,
मतलब इसकी जो सेंसर की लाइफ है ना वो बढ़ जाती है, वो इसलिए ये पिन दिया गया। मगर याद रखो ये पिन आपको जब खेत में इम्प्लीमेंट के साथ इसको चलाओगे तो ये पिन आपको निकाल के घर में यू नो टूल बॉक्स में रखना पड़ेगा, तभी ये सेंसिंग एक्टिवेट हो जाएगी। इसमें हमने फ्लो लैंप भी दिए हैं ताकि रात में भी काम करो तो आपको दिखाई दे। नंबर प्लेट के साथ एक छोटी सी लाइट भी हमने दिए हैं, ठीक। और अगर ब्रेक की बात करें इस ट्रैक्टर में तो हमने हाइड्रोलिक मतलब सॉरी ऑयल इमर्स ब्रेक OIB ब्रेक हमने दमदार ब्रेक दिए हैं कोरियन डिस्क के साथ, ताकि लोड में भी ब्रेक इसके मजबूत लग जाए सेफ्टी के लिए। और जैसे कि मैंने आपको टिपिंग ट्रॉली की बात किया था लाल लीवर के साथ, टिपिंग ट्रॉली को जोड़ने के लिए अलग से जुगाड़ की ज़रूरत नहीं है, कंपनी फिटेड आपको QRC इसमें मिलता है। तो ये QRC जैसे घरों में गैस सिलेंडर लगाते हो, खाली इसको दबाओ और यहाँ QRC के साथ अपना जो कपलर है हाइड्रोलिक का वो लगा सकते हो, और निकालना है तो इसको दबाओ और वो निकालो। बॉल सिस्टम है, झटपट अटैच झटपट डिटैच इसमें हो जाता है, तो स्पानर की चूड़ी की ज़रूरत नहीं होती। ये इस ट्रैक्टर में अगर पीछे जब इम्प्लीमेंट आप बांधते हो तो उसको ये टायर से ना टकराए, तो हमने इसके अंदर हैवी ड्यूटी स्टे बार दिए हैं पिन टाइप, एडजस्टमेंट भी आसान है और हैवी ड्यूटी भी है। और इसको एडजस्ट करने के लिए इम्प्लीमेंट को एडजस्ट करने के लिए ये बॉक्स टाइप लेवलिंग रॉड दिए हैं, एडजस्ट किया और छोड़ दिया ऑटोमेटिक लॉक भी हो जाता है, बढ़िया सिस्टम है। आइए और ट्रैक्टर की बात करें तो कुल मिला के बात ये है कि इस ट्रैक्टर में यूरो 50 के ट्रैक्टर में हमने स्टाइलिंग भी दिया है, हमने कंफर्ट भी दिया है, हमने सेफ्टी भी दिया है और बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर हमने दिए हैं। तो आइए एक बार यूरो 50 आप चला के महसूस कीजिए।